यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। यहाँ पर देखिए एक खरगोश सबसे छोटा जानवर है और आज भी सब प्राणियों में से सबसे बड़ा। तो इस कहानी में आप सबको खरगोश किस प्रकार से अपनी समझदारी से चतुराई से हाथियों में से अपनी रक्षा करता है ऐसा वर्णन यहाँ पर इस कहानी में किया गया है। और यह कहानी पंचतंत्र से ली गई। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। यानी कि एक जंगल था, जंगल में सरोवर था, सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। यानी कि जो पानी से हो, पानी से एकदम गीली हो गई हो वैसे वैसी जमीन थी। वहाँ पर बहुत से खरगोश रहते थे। यानी कि जंगल जंगल में सरोवर के किनारे यहाँ पर बहुत से खरगोश, यहाँ पर बहुत सारे खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। यानी कि खरगोश जो जो बिल में रहते थे वे बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते। यानी कि वो नमक अपनी करते थे और इधर उधर कूदते रहते थे, नरम नरम घास खाते थे। रात को अपने घरों में जाकर वो सो जाते थे और सब बहुत प्रसन्न रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती आते थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे। यानी कि उस जंगल में कुछ हाथी आ गए। यहाँ पर एक जंगल में कुछ हाथी आ गए और हाथियों के झुंड में कुछ शरारती, यानी कि मस्ती को हाथी भी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ को हिला देते थे और उसको गिरा देते, तोड़ देते थे। पौधे उछल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। यानी कि वे हाथी हाथियों के बच्चे, वे हाथियों के बच्चे थे और खेल खेल में एक दूसरे से लड़ भी लेते थे। और कभी कभी तो एक छोटा हाथी नीचे होता था, कभी दूसरा हाथी। वैसे वे सब लोग लड़ते थे। हाथी पानी से बहुत प्यार करते थे। वे अपनी सूंड में पानी भर कर नहाते थे। सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते, नरम जमीन उसके भार में दब जाती, साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। फिर हाथी को पानी बहुत पसंद है। वे अपनी सूंड में पानी भर कर नहाते है। यहाँ पर देखिए चित्र में भी हाथी अपने सूंड में पानी भर कर वो नहाते है और सरोवर के किनारे जो गीली माटी थी उसमें लौटते थे, यानी कि उसमें लेट जाते थे। और उसी के भार से कई मिट्टी भी दब जाती थी और कई खरगोश परिवार भी जो जमीन के नीचे रहते थे वो भी दब जाते थे। इसलिए ये देखकर खरगोश भी बहुत दुखी थे। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वो हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों में सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथी ने सिर उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। फिर खरगोशों का जो सरदार था उसने उपाय सोचा, यानी कि हाथियों से बचने के लिए एक उपाय सोचा और उसने बहुत सारे खरगोश लेकर हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर खरगोशों के सरदार ने अपने पांव आगे उठाए, यानी कि अपने एक पैर को अगले पांव को आगे उठाया और उसको हाथ जोड़कर नमस्कार किया। फिर उसी समय हाथी ने भी सिर उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। यानी कि खरगोश का जो सरदार था वो बोला, हम चांद के भांजे हैं। यानी कि चांद के भांजे हैं। चांद में हम हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। यानी कि चांद में से हम हमारे भाई बंधुओं को भी देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए थे। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने में। हम आपसे नाराज है। हाथी बोला, क्या क्यों नाराज है, हमने क्या किया। फिर खरगोश बोला, एक खरगोश का वो बोला, मामा रोज सरोवर में आते हैं। देखिए चांदा मामा है, चांद है, वो हमेशा सरोवर में आते हैं और हमसे मिलते हैं।
वे आपसे नाराज रहे थे कि वे हाथियों से नाराज रहे। हाथी बोला, वो हाथी बोला कि क्यों हमसे नाराज है, हमने क्या किया। खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख होकर हमने अपने घर बनाए थे। आपके आने में सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। यानी कि यहाँ पर एक खरगोश बोलता है, वो कहता है कि सरोवर के समीप नरम मिट्टी है, यानी कि भीनी मिट्टी है, वहाँ पर हम सबने हमारे घर बनाए। आपके आ जाने से, यानी कि हाथियों के आ जाने से चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, यानी कि बहुत से खरगोश दब गए, इसलिए वे आपसे नाराज है। खरगोश आगे बोला, वे आपको सरोवर में आएंगे और उन्हें यहाँ देखकर अच्छा नहीं लगेगा। खरगोश बोला कि वे रात को सरोवर में, यानी कि चंदा मामा रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि खरगोश दब जाए वो उसको अच्छा नहीं लगता। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला, हवा तेज थी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी, चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था, यानी कि रात हो गई, फिर रात हो गई और पूर्णमासी की रात का चांद निकला। हवा भी तेज हो रही थी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी, चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहे थे। यात्री और खरगोश वहां पहुंच गए। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से में काम रहे हैं, आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाइए, लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे। फिर यात्री ये देखने के लिए सरोवर में जो चांद हुआ था, चांद की लहरों में जो चांद था, वो देखने के लिए यात्री खरगोश वहां पहुंच गए। उसके बाद खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से काम रहे थे, यानी कि जो लहरें उठ रही थी उससे चंदा मामा ऊपर नीचे हो रहे थे, तो उसने कहा कि गुस्से से काँप रहे थे, आप जल्दी से यहाँ से दूर चले जाइए। लेकिन खरगोश साथी से कहता है कि आप यहाँ से दूर चले जाइए, लगता है मामा आपसे बहुत नाराज है। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा, सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई, सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार, हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा करें, हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। फिर हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा और सभी हाथी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई और सभी हाथियों से ऐसा ही किया। फिर सरदार ने अपनी सूंड उठाई तो सभी उसके हाथियों के झुंड थे, सब हाथी ने भी ऐसा किया और सरदार बोला, चमकते हुए चांद को घुमाना नमस्कार। फिर वो चांद को नमस्कार करने लगे और वो अपनी गलती मानते हैं और आपसे क्षमा मांगते हैं और चंदा मामा से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि आप हमें क्षमा कर दो, हम अभी दूसरे जंगल में